हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो हम राइस के मेजर पेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने तीन मेजर पेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हो। राइस गंदी बग के बारे में, ब्राउन प्लांट हूपर के बारे में और आर्मीओम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम फोर्थ मेजर पेस्ट ऑफ द राइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है राइस ग्रास हॉपर। तो गाइज, इसके बारे में हम, इसका साइंटिफिक नेम, मतलब ये कौन फैमिली में आता है, इसका ऑर्डर क्या है और इसका मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इसका लाइफ साइकिल और इसका डैमेज सिम्टम, क्या क्या डैमेज करेगा ये और इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक रहिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग समझेंगे भी अच्छी तरह से। तो राइस ग्रास ऊपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसका साइंटिफिक नेम है हाइरोग्लाइफस बैनियन, जो राइस में बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली दिखाई जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपेयर होता है ये पेस्ट। और उसके बाद देखिए आप, मतलब ये पेस्ट इस तरह का होता है। राइस के फील्ड में आप लोग इसको आसानी से पहचान सकते हो फिगर में देख के। तो ये फैमिली एक्रिडिडे फैमिली में बिलोंग करता है और इसका ऑर्डर है ऑर्थोपटेरा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब जहाँ जहाँ जुन जुन जैसे भी एरिया में जहाँ राइस ग्रो होता है मेजरली, तो वहाँ पे ये पाई जाएगा, जैसे कि आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और अदर राइस ग्रोइंग स्टेट एंड साउथ इंडिया, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल लिया है, जहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो होगा वहाँ पे ये दिखाई जाएगा, क्योंकि ये राइस का ही मेजर पेस्ट है। तो उसके बाद होस्ट रेंज, जो राइस ग्रासेस व्हीट इन सब में ये सर्वाइव करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका डैमेज सिम्टम, ये क्या क्या नुकसान करता है राइस को, क्या किस तरह से नुकसान करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका डैमेजिंग स्टेज हो गया निम्फ एंड एडल्ट, जो सबसे ज़्यादा लस करता है, और एडल्ट के कंपैरिजन में निम्फ सबसे ज़्यादा यील्ड लस करता है। तो इसका मेन डैमेजिंग स्टेज होगा निम्फ, एडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा यही डैमेज करता है क्रॉप को। तो ये एक क्रॉप को मतलब च्यूइंग करके या कटिंग करके, जो प्लांट के वेरियस पार्ट है लाइक लीफ, फ्लावर, ग्रेन वगैरह, इस सबको ये डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर ये च्यूइंग करके खाएगा या फिर कटिंग करके प्लांट के पार्ट्स को कंज्यूम करेगा ये। और उसके बाद है, दे कम्प्लीटली डिफोलिएट द प्लांट लीविंग ओनली द मिड रिब एंड द प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड। ये इस तरह से मतलब प्लांट जो लीफ है उसको सब पत्ते सब खाएगा, ओनली मिड रिब को छोड़ के, मिड जो मिड मिडिल में जो लाइनिंग होता है उसको छोड़ के बस ये सब कंज्यूम कर लेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और इसका एक मतलब कंज्यूम करने का पैटर्न है, ये रेगुलरली मतलब एक साइड से खाते खाते नहीं जाता, इसका एकदम इरेगुलर फीडिंग स्टाइल है, ये कहीं पे भी अपनी मर्जी से कभी भी खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है, इसका यही राजा है भाई, इसका कोई नहीं है इसे रुकने वाला, और अपनी मर्जी से कहीं पे भी इरेगुलरली ये फीड करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मतलब यूनिक फीचर भी है, आप लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कैसे इसने साइड साइड से मतलब लीफ के मार्जिन मार्जिन से सब खा लिया है और बीच बीच में छोड़ा हुआ है, यही इसका डैमेज करने का स्टाइल है। उसके बाद हम बायोनोमिक्स या इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, बायोनोमिक्स एक कैसे कैसे दिखता है। तो एडल्ट जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है और लार्जर विथ ट्रांसवर्स ब्लैक लाइन ऑन प्रोनोटम। जो एडल्ट होता है वो ग्रीन कलर में होता है और इसके जो प्रोनोटम में है ब्लैक कलर के लाइन प्रेजेंट होते हैं इसके प्रोनोटम में। और उसके बाद ये मिट्टी में सॉयल में ये एग लेइंग करेगा अंडर 5 cm डेप्थ में, सॉयल के 5 cm डेप्थ तक ये एग लेइंग सॉयल में ही करेगा। उसके बाद इसका जो एग पीरियड होता है वो 9 months का होता है, बहुत लंबा होता है। ये अगली साल में मतलब मिट्टी में ये एग लेइंग करता है, उसके बाद नेक्स्ट 9 months के बाद ही क्या करता है, इसका जो एग है उसका मतलब हैचिंग वगैरह कुछ होता है। तो जब राइस ग्रो करेंगे तब ये राइस के फील्ड में तभी दिखाई देगा। उसके बाद इसका जो निम्फ है, निम्फ पीरियड ओनली 21 days का ही होता है। तो ये इसका बायोनोमिक्स हो गया, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है।
इसका डैमेज सिम्टम भी हमने देख लिया, तो हम अब इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट के लिए हम तो हमें तो मतलब जो IPM है वो तो करना ही करना है। IPM के द्वारा हम इसको मैनेजमेंट करेंगे। IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक से हम इसको मैनेजमेंट करेंगे, वही टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोज एग टू बी पिक्ड अप बाय बर्ड आफ्टर प्लोइंग एंड ट्रिमिंग द बर्ड। तो हमें मतलब डीप प्लोइंग करना है, क्योंकि ये तो मतलब इग्लेइंग सॉइल में ही करता है, सॉइल में ही लेइंग करता है। इसके अंडे जो है वो तो मिट्टी के तल नीचे ही होते हैं, तो इसीलिए हमें डीप प्लोइंग करना है ताकि उसके जो अंडे है बाहर एक्सपोज हो जाए, बाहर आ जाए, और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर बर्ड भी उसको जो अंडे है उनको पिक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है एक पैरासिटोइड। हम एक पैरासिटोइड को भी रिलीज कर सकते हैं फील्ड में, जिसके कारण मतलब जो एग है उसके वो जो पैरासिटोइड है वो सब एग को खा लेगा, जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है। एक पैरासिटोइड लाइक कैलकेलस स्पेसीज, बैरिकोमस स्पेसीज एंड सेलियो स्पेसीज, इस तरह के एक पैरासिटोइड भी सिटोइड को भी हम इनकरेज कर सकते हैं फील्ड में और रिलीज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर में है उसके बाद हम डस द क्रॉप विथ मिथाइल पैराथिन 2% और मेलाथिन 5D 20 kg/hectare। ये इनके ये जो रिकमेंडेड डोज है मिथाइल पैराथिन और मेलाथिन, इनको हम यूज कर सकते हैं। मिथाइल पैराथिन का हम डस्ट कर सकते हैं, मेलाथिन भी डस्टिंग ही करेंगे। तो रिकमेंडेड डोज के अनुसार हम इन केमिकल को यूज करेंगे, या फिर डाइक्लोरोफोस भी हम स्प्रे कर सकते हैं, उसको पानी में मिला के 76 EC 500 ml/hectare के जो रिकमेंडेड दिया है, डोज दिया है उसी के मतलब फॉलो करके, उसी को फॉलो करके हम यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल सारे मार्केट में मिल जाएंगे। तो गाइज यही है इसके बारे में, ग्रास ऊपर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आसानी से आप लोग समझ सकते हो। तो इसका मैनेजमेंट और ये सब हो गया। आई होप आपको ये वीडियो मतलब थोड़ा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको राइस के और किसी भी मतलब और पेस्ट के बारे में जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में, अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो। और राइस के मतलब जो पेस्ट के बारे में, हमने तीन पेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइस गंदी बग, ब्राउन प्लांट हूपर और आर्मी होम के बारे में आप लोग प्लीज़ जाके वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।